कल शाम इमीग्रेंट वीमेन इन बिजनेस संस्था वालों टोरंटो के मैट्रो हॉल में एक जॉब फेयर करवाया गया। हर उम्र वर्ग के लोगों ने इस जॉब फेयर लिए रजिस्टर किया। इस विच कई पहलुओं को ध्यान में लिया गया सी अते इस जॉब फेयर विच हज़ारों की गिनती विच इमीग्रेंट्स ने हाजिरी भरी। जॉब लभन आया इतें एंड इट्स सेकेंड दूजा वीक है कैनेडा च, तो जॉब लभन आया। फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि जॉब फेयर हो रहा है। मुझे पता चला कि ऑनलाइन के थ्रू दैट यहाँ पे कुछ जॉब फेयर है, सो आई हैव केम हियर टू इन सर्च ऑफ अ जॉब। रेज्यूमे बनाए सी, वे एडिट किए सम थिंग्स, तो थोड़ा प्रोफेशनल बनाया रेज्यूमे नू, ते आगे बस इधर जॉब देखने दे ले। गौरतलब है कि इमीग्रेंट वीमेन इन बिजनेस औरतों वालों चलाया जाता एक नैटवर्क है, जिस विच वक वक खित्यां विचों अगां वधू औरतां आर्थिकता नू होर मजबूत करन अते नवे आए इमीग्रेंट्स दी कैनेडा विच सैटल होण विच मदद करदियां ने। कल करवाए गए जॉब फेयर विच फर्स्ट ईयर विद्यार्थियों तो लैके जिन्हां नू रेजमे बनाउण विच मदद की गई, होर नवे आए इमीग्रेंट्स अते रेफ्यूजी लोग शामिल सन। हर पद्धर दियां नौकरियां अते इन्हां वास्ते तैयारी लई कई तरह दे स्रोत उपलब्ध करवाए गए सन। अभी बहुत सारे आप देख रहे रेफ्यूजीज आ रहे हैं ऑल ओवर इंटरनेशनली। कैनेडा में तकरीबन 5 लाख लोग हर साल आते हैं, इस वजह से जॉब में काफ़ी शॉर्टेज हो गई है, काम नहीं मिलता लोगों को। तो IWB की जो इवेंट में लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उनको गाइडेंस मिली है, काउंसलिंग मिल रही है, ताकि वो आके अपनी नौकरियाँ हासिल करें। इस समागम विच उन्हां लोगों की मदद लई भी तैयारी की गई सी जिन्हां की पहली भाषा अंग्रेजी नहीं है। खदीजा खान मुताबिक इमीग्रेंट्स की नौकरियां हासिल करन विच मदद करना उन्हां लई कैनेडा विच सैटल होण लई पहला कदम है। 8 साल पहले मैं भी एक इमीग्रेंट की तरह ही आई थी एंड मैं ये इस चीज़ की ज़रूरत जानती हूँ कि एक नौकरी हासिल करना एक खानदान को चलाने के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। तो इस वजह से हमारी सोच ये है कि हम लोग जल्द से जल्द इवेंट्स वगैरह करें और लोगों को नौकरियां दे सकें। अभी जितनी होमलेसनेस हो रही है, सड़कों पे लोग सो रहे हैं, लोगों को कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तो अभी बहुत ज़रूरी हुआ है लोगों को इस तरह अवेयरनेस दें, उनको नौकरियाँ दें। जो भी नौकरी उनको मिल सके उनको मिलनी चाहिए जल्द अज जल्द। IWB दे मैंबरां दा कहना है कि इमीग्रेंट वजों नवे देश विच आके वसण दे संघर्ष नू संस्था दे मैंबरां ने खुद जीविया है, इसलिए उन्हां दा मकसद इकट्ठिया मिलके एक सेहतमंद अते मजबूत समाज दी सिरजना करना है। हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि आप लोग यहाँ आते हैं एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। आप लोग ये सोच कर आते हैं कि यहाँ पे आएंगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी हमारे लिए, हमारे ख़ानदान के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो तालीम है वो भी कितनी आसान है और यहाँ आसानी से है, मुफ्त है, तो आप लोगों के बच्चे यहाँ पे कितना पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इस तरह से इनको नौकरियाँ मिल सकती हैं, इनको इंटरव्यूज़ मिल रहे हैं नौकरियों के, और इसी तरीके से वो अपनी नौकरी सिक्योर भी कर सकते हैं। इधर जो लोग आए हुए हैं ये लोग काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट हुए हुए हैं अभी इस वक्त, और IWB पहली कंपनी है जो अभी ये स्टार्ट कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि IWB के बाद और भी कंपनीज ये चीज़ स्टार्ट करें, कॉर्पोरेशन स्टार्ट करें और लोगों को नौकरी के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ दे सके। लवीन गिल, आमनी न्यूज़।